पेस्ट तो सब क्यों लगेगा पेस्ट? क्योंकि जी आपकी गर्मी बहुत है, मैं देख पा रहा हूँ जो आपके ये घाव है ना, यहाँ सेब लीकेज हो रही है, इधर भी देखा मैंने कहीं काला काला सा, तो इसीलिए ना जी, क्योंकि यहाँ ज्यादा गर्मी है। अब आपकी जानकारी मैं बता दूं, जो फॉरेनर हमारे पास आते हैं हिमाचल में, वो ये बोलते हैं कि जहाँ आप सेब उगा रहे तो जगह ही नहीं है सेब के लिए, ये तो वेस्ट लैंड है। तो इसी इसका मतलब है कि आप और हम वेरी एडवर्स कंडीशन में बागवानी कर रहे हैं, इसीलिए क्लाइमेट हमारा गर्म है यहाँ का, और इसीलिए आपको क्या रखना पड़ेगा, पेस्टिंग प्रॉपर कुछ भी लगा लो यहाँ पे पेस्टिंग करें, मगर सबसे जरूरी है जी यहाँ पर गर्मी के क्षेत्र में आपको चूना नीला तोता इस टाइप की स्प्रे हर साल करते रहना। आपका ये भी लगा सकते हैं आप, उसके बाद आता आपका जब आप कॉपर और वो डालते हैं उसके साथ में जी एंटीबायोटिक आप स्प्रे कर सकते हैं, बायोमाइसिन कासुकामाइसिन इस टाइप में आते हैं जी, वो भी कैंकर के लिए होता है सर जी, लगभग 37 से 38 तरह का कैंकर है, और ज्यादातर एक मिनट जी 8-10 पेड़ हमारे यहाँ ऐसे है जिनपे बीमी नहीं बन रहे कुछ, ये जी जो आपका कैंकर है वो लगभग 36 से 37 तरह का है, तो ज्यादातर कैंकर मैन मेड है, इंसान के द्वारा पैदा किए, गलत तरीके की प्रूनिंग से, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल से। आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपका पौधा और आपकी भूमि मांग क्या रही है आपसे, आप ऊपर ग्रोथ जा रही है, नीचे अंकल जी ने नाइट्रोजन का गेड़ा रखा है। नाइट्रोजन का डालने का मतलब हो गया आपको वेजिटेशन चाहिए, अगर वेजिटेशन पूरी होगी तो आपको कंट्रोल करता, नाइट्रोजन रोक दो, कंट्रोल करना, पौधे में ग्रोथ लाना बड़ा चैलेंजिंग है और ग्रोथ को रोकना चैलेंजिंग है। फॉरन में तो पीजीआर जाते हैं, ऐसी स्प्रे आती है जब स्प्रे करते हैं 3 इंच पे जिससे ग्रोथ कंट्रोल हो, तो ये बड़ा चैलेंजिंग है जी। अब पीछे अंकल जी की एक बात थी कि सेब नहीं लग रहे, अंकल जी सेब कैसे लगेंगे, एक तो आपने पॉलिनेशन पे काम नहीं किया, 100 के पीछे 30 पौधे पॉलिनेशन के होने चाहिए थे, क्या आपने लगाए, एक दूसरा आपकी प्रूनिंग बिल्कुल ऐसी प्रूनिंग है जिसमें बीमा नहीं बन रहा, जिसमें ग्रोथ ही आ रही है, जिसमें लाइट का ध्यान नहीं आपने रखा हुआ, जब आप लाइट नहीं देंगे अंदर कनोपी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, नाइट्रोजन का फ्लो ज्यादा होगा, ग्रोथ बहुत है ना बगीचे में, ग्रोथ है उन पेड़ों, हाँ उनमें नहीं जी सब में ही है, उत्तराखंड में तो सब में ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो जी कटिंग पहले से उसको ऐसे ट्रेन करो, आपको ग्रोथ रोकनी है, ग्रोथ रोकने के लिए आपको नाइट्रोजन बिल्कुल बंद कर दो, और सबसे बड़ी जरूरी है कि आपको सबसे पहले मिट्टी की जांच करनी है, उसकी जब रिपोर्ट आपके हाथ में होगी, सेकंड टाइम में आपको लीफ टेस्टिंग करनी है 15 जून से 15 जुलाई, जब आप पत्तों और मिट्टी की जांच करेंगे उसके बाद की जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर आपका न्यूट्रिशन का और आगे का फर्टिगेशन का चार्ट बनेगा। आप मेरे को फोन करेंगे, पंचता जी क्या डालूं, मुझे क्या पता क्या डालूं। मैं तो तब बताऊंगा ना जी कि आपको चाहिए क्या, वो लगेगा जब हम बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या सीधा ऑपरेशन हो जाता हमारा, सबसे पहले आपकी जांच होगी, शार्प टेस्ट होगा, खून टेस्ट होगा, सब चीजें देखेंगे, ब्लड प्रेशर देखेंगे क्या, तो जब भी कोई चीज डालनी है पौधे को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका पौधा मांग क्या रहा है, ठीक है जी।